चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आया हूँ जिसमें तो कि रिलायंस के जो एडीजे ग्रुप के शेयर्स में भारी मूवमेंट क्या हो रहा है, मतलब अनिल अंबानी के जो स्टॉक्स है उसमें एक अच्छा खासा भारी मूवमेंट हम देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है इस वीडियो में देखने वाले। जब भी कोई शेयर या बिजनेस ग्रुप के शेयर पे अच्छा मूवमेंट होता है तो दोनों कैटेगरी के लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे इन्वेस्टर रहते हैं, सेकंड ऑफ वहाँ पे एनालिस्ट रहते हैं। जब इन दोनों ग्रुप का एनालिस्ट सेम लाइन पर हो, यानी दोनों ग्रुप सेम बातें करते हो, तो वही सही में फायदेमंद शेयर्स होता है। कल के न्यूज में भी ऐसा कुछ आया कि अदानी ग्रुप के शेयर्स के साथ कुछ ऑपरेटर प्ले हो रहे। जब ये एनएडीसीएल ने 3 FPI के अकाउंट फ्रेज साइज किया तो FPI ने अदानी ग्रुप ग्रुप में कम से कम 43,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अब तक। इसके बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स में भारी फॉल देखा गया, मगर आज फिर NSDL ने कहा है कि FPI के अकाउंट्स को रिसाइज नहीं किया गया और शेयर फिर ऊपर भी आ गए। यानी कल का खबर देखकर जिन लोगों ने शेयर बेचा था उन उनको थोड़ी जल्दबाजी कर ली थी। इसके इसी तरह से हर न्यूज का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। मेरे इस वीडियो में मैं अभी रिलायंस ADGA के शेयर्स के बारे में हर एक पहलू आपको डिस्कस करने वाले हो, लेकिन उसके लिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि जो मैं बताना हो उसका नोटिफिकेशन, मतलब जो नए नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, अगर आपने अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग का लिंक है, उसके थ्रू आप वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए 1 ईयर MC फ्री है, स्मॉल कैश उसमें स्मार्ट FPI भी है, फ्लैट 20 RS ब्रोकरेज है, पर्सनलाइज्ड गाइड एंजल की एक एडवाइजरी भी है। चलिए अभी इन सब का फायदा कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक दिया तो उसके हिसाब से आप अपन ओपन कर सकते हो। चलिए ADGA ग्रुप के शेयर्स में हलचल तो क्या हुआ। ADGA ग्रुप जिसके बॉस अनिल धीरूभाई अंबानी वो FY 2020 के स्टार्ट से बहुत अचानक सा रिटर्न दे रहे हैं। उसके शेयर्स में 63% से लेकर 192%, मैं क्या कर रहा हूँ, 63% से लेकर 192% तक रिटर्न दिया है। ये वो कंपनी है जिसकी ऑफिस को पिछले FY में एक्वायर कर लिया है, एक्वायर कर लिया गया था डेट नॉन पेमेंट के लिए। इस ग्रुप की 6 कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, यहाँ पे देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे, रिलायंस कैपिटल, रिवर्स नवर, रिवर्स कम्युनिकेशन और रिवर्स होम फाइनेंस। इकोनॉमिक टाइम्स के December 19 के एक आर्टिकल में ADGA ग्रुप के शेयर्स को टॉप विल डिस्ट्रॉय कहा गया था, क्योंकि ये सारी कंपनीज डेट के चलते डूब गई थी, इनके साथ इनके शेयर्स भी डूब गए थे। लेकिन जब अचानक FY 2020 की शुरुआत होती है ADGA ग्रुप के शेयर्स अब जाने लगे हैं और अच्छा रिटर्न्स भी देने लगे हैं, तो फिर सवाल ये आता है कि ये ग्रोथ का फ्यूल क्या है। मतलब मार्केट अगर बैड न्यूज था तो उनके शेयर्स गिरे थे, अभी ऊपर जा रहे थे, इसका न्यूज क्या है। तो ADGA स्टॉक्स अगर रोल ओवर करे तो पावर या फिर रिलायंस पावर अगर देखे तो रिलायंस पावर ने उसका जो प्राइस ₹12 चल रहा है तो उसने 192% रिटर्न दिया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखे तो यहाँ पे उसका जो प्राइस चल रहा है 83 या 90, उसने 137% यहाँ पे रिटर्न दिया है। रिलायंस कम्युनिकेशन 3.64% उसका प्राइस चल रहा है 118, जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। चलिए तो चलिए जो भी आप स्टॉक्स देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न देना है उन्हें पिछले कुछ दिनों में, तो आप भी आपके गूगल पे जाके चेक कर सकते हो उनके जो स्टॉक्स है। तो यहाँ पे एक बार उनका चार्ट भी देख लीजिए कितना अच्छा रिटर्न है, रिटर्न का पीछे का रीजन। चलिए अभी मैं रीजन बता देता हूँ। कोई भी कंपनी का शेयर भाव गिरने का मेन रीजन होता है कि आउटस्टैंडिंग डेप्ट। एक नजर में ADGA ग्रुप के टोटल डेप्ट को देख लेते, टोटल डेप्ट है उनका 93,900 करोड़, आरकॉम का डेप्ट है 35,600 करोड़, NCLT केस उसमें NCLT केस चल रहा है, रिलायंस कैपिटल का डेप्ट है 38,900 करोड़, रिलायंस पावर का डेप्ट है 30,200 करोड़ एंड रिलायंस इंफ्रा का डेप्ट है 17,800 करोड़, रिलायंस नवल का डेप्ट है 7,000 करोड़। जो लोग आके माल रहे हैं, दूसरे एक बार नंबर चेक कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि ये सारे नंबर सही है। 31 मार्च 2019 का डाटा के हिसाब से 93,900 करोड़ का डेप्ट बन के रखा है रिलायंस में, ADGA ग्रुप में। इस वजह से लोगों ने सारे शेयर्स बेच दिए और सारे शेयर्स 54 के रेट पे बिक गए थे, ओके। लेकिन FY 2020 में रिलायंस ने एफर्ट लिया और इस बार डेप को रिड्यूस करने के लिए इसी का एक हल्का सा इम्पैक्ट उन शेयर्सों में दिखने लगा। एग्जाम्पल के तरीके से रिलायंस पावर ने 1,325 करोड़ रेज करने की बात कहा है, कैसे रेज होगा ये अमाउंट। रिलायंस पावर 59.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स
73 करोड़ ऑफ वारंट्स इक्विवेलेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्वल नंबर इसको अपने पेरेंट कंपनी रिलायंस इंफ्रा को बेचेगी और इस 1,325 करोड़ से अपना डेप्ट रिपे करेगी। FY22 में इनका टारगेट है कि डेप्ट को 3,200 करोड़ तक कम कर देना, लेकिन फिर भी टोटल डेप्ट यानी 30,000 करोड़ का मतलब है कि 3,200 काफी कम ही दिखता है। अगर 30,000 देखे तो 30,000 से 3,200 गया तो भी 30,000 एक कम ही लगता है ना अपना डेप्ट। तो एनालिस्ट का क्या कहना है इसके ऊपर, जैसे मैं आपको बताया कि एनालिस्ट और इन्वेस्टर का एक अलग पेज पे होना है। एक कंपनी के शेयर्स के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन एक एनालिस्ट को कहने का यही एडीजी का शेयर्स के बारे में कि इन्वेस्टर फिलहाल अपना पैसा को संभाल कर रखिए और अगर इन्वेस्ट करना है तो और किसी कंपनी में कीजिए जिसका फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो। अगर अब आप समझ सकते हो तो समझ सकते कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं कि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे डेप होते तो यहाँ पे डेप होते तो आप संभल कर आपको आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। ऐसी कंपनी ढूंढे वहाँ के अच्छा खासा रिटर्न है, उसका फाइनेंशियल असर है, तो वहाँ पे आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका आपको खूब समझदार है, आपको फंड एडवाइजर के हिसाब से क्या कौन सी कंपनी अच्छी है उसका फाइनेंशियल क्या अच्छा रहेगा टेक्निकल क्या है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में बताया कि रिलायंस के ग्रुप के शेयर्स में भारी मोमेंटम क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या, उन्होंने डेप्ट रिफंड करने के लिए क्या प्रोसेस है, कहाँ पे फंड राइज कर सकते हैं, कितना रिपे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपको दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।